बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको ये वीडियो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं ताइफ से एक वाकया पेश आया जी, ताइफ में यानी के, और ताइफ की वीडियो हो और मैं आपके साथ शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि ताइफ में मैं काफ़ी रहा हूँ और ताइफ मुझे खुद से बहुत पसंद है। ताइफ की मैं वीडियो कोई भी मुझे मिले तो वो ज़रूर शेयर करता होता हूँ, खासकर इस रोड के ऊपर। ये वादी वाज रोड है जी, यहाँ पर आपको पिक्चर और वीडियो भी अभी मैं साथ में चलानी दिखानी शुरू कर चुका हूँ। वादी वाज रोड ताइफ का मेन रोड बोल रहे हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर मैंने गालबन 4 से 5 माह इसी रोड के ऊपर काम किया है, यानी कि हम साइड पर काम वगैरह करते थे। तो बहरहाल ताइफ में वैसे तो मैं 2 साल के करीब रह चुका हूँ। तो अगर बात करें अभी ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ इसके मतलब, मैं ये गाड़ियाँ देख ली, 2-3 गाड़ियाँ हैं, 2 तो खड्डे के अंदर ऐसे साइडों पर खड़ी हुई हैं, बस गिरने ही वाली हैं जैसा कि, और एक सामने आप देखेंगे उस तरफ पड़ी हुई है, वो भी खड्डे में लगी है, उसके बाद जाकर फुटपाथ के साथ लगी है। तो ये नुकसान वगैरह काफ़ी हुआ है, लोगों ने वीडियो बनाई, नेट के ऊपर डाली। जब तहकीकात की गई है कि ये सड़क इधर से गड्ढा कैसे बन गया, सड़क नीचे बैठ गई है, तो सामने ये आया है कि नीचे मेन पाइप लाइन गुजर रही थी बड़ी पानी की। तो वो लोग ऊपर भाई रेत डालते हैं पाइप के ऊपर, फिर बजरी डालते हैं, फिर ऊपर मिट्टी डालते हैं, रूला वगैरह वो काफ़ी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जाहरी सी बात है कहीं से मेरे हिसाब से नीचे से पाइपलाइन लीक हुई है यहाँ से, और पानी लीक होता रहा है उसी वजह से हर चीज़ बैठ गई है और ये गड्ढा बन गया है। और गाड़ियाँ इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि ज़मीन एकदम से नीचे चली गई है, यहाँ पर सड़क घुस गई है दरमियान में से, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, ऐसा मामला नहीं है। पाइपलाइन गुजरती थी मेन, उसके बदौलत ही ये सड़क में गड्ढा इतना बड़ा है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी कोई भी किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं।